उनकी गिरफ्तारी कब होगी जब मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करते हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी जब बोलते के फलाने काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। ये चीज देखो ना, आप एक धर्म विशेष को छूट दे रहे हो कि जो भगवा पहन लेगा यानी कि उसको ये सब ज्ञान देने का, मुसलमानों को टारगेट करने का राइट मिल जाएगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियाँ देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो माँ बहन की गालियाँ उससे बड़ा हो गया? उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। मुफ्ती साहब आपको बता ही रहे हैं कि हम दौर लाना चाहते हैं जिसमें संविधान के सबसे देश चलेगा, हम दौर लाना चाहते हैं जिसमें भाईचारे की बात होगी, हम दौर लाना चाहते हैं जिसमें अमन होगा देश के अंदर, हम दौर लाना चाहते हैं देश में शांति होगी, हम वो दौर लाना चाहते हैं कि किसी को जय श्री राम बोल के मारा नहीं जाएगा, हम वो दौर लाना चाहते हैं जिसमें भाईचारे का, जब गंगा जमुना जो तहजीब है उसका फूल दोबारा चमन में खिलेगा और देश में भाईचारा होगा और तिरंगे के सम्मान में सभी हिंदू मुसलमान एक तिरंगे के नीचे खड़े होंगे, हम उस दौर की बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब। उसमें मुफ्ती साहब के चेहरे पर सूअर की शक्ल लगा करके मुसलमानों को प्रवोक करने का काम किया है। कब इसकी गिरफ्तारी होगी सुरेश वनकरे की? हम ये मांग करते सरकार से। आज हम संविधान की बात करने वाले लोग हैं, अगर संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अजहरी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से हुंकार भरी जाती है कि फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो माँ बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने ही नहीं पाओगे। 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका बलात्कार करो। आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके, मतलब तुम जिंदा को तो छोड़ नहीं रहे हो और मुर्दा के साथ भी बलात्कार करोगे। वाह रे वाह तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल है कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप अजहरी साहब को गिरफ्तार अगर संविधान के सबसे जायज मानते हो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कुत्ता शब्द बोला कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है, अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इसराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन पे FIR हो जाती है, तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जो टी राजा जैसे लोग बयान देते हैं? जब संसद के अंदर भारत का, दिल्ली का एक इतना बड़ा सांसद बोलता है एक मुसलमान को, ए आतंकवादी, ए भड़वे, ए कटवे, तब गिरफ्तारी नहीं होती, तब उनको नहीं निकाला जाता, और राहुल गांधी अडानी पे सवाल पूछ ले तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। दौर क्या आपने क्या मतलब होता है? दौर क्या आएगा? दौर थोड़ी आएगा। दौर आने का मतलब यहाँ पर ये है कि भैया हर किसी का वक्त आता है। आज तुम्हारी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वक्त बदलेगा, तख्ता बदलेगा, सरकारें बदलेंगी। आज की डेट में अगर संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा तो सवाल बनते हैं। अगर संविधान के हिसाब से अजहरी साहब की गिरफ्तारी जायज है तो जितने मैंने पॉइंट रखे हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने की बात की जाती है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। उनको राम राम बोलेंगे काटे जाएंगे तब गिरफ्तारी नहीं होती। इतने बड़े बयान दे दिए थे तब गिरफ्तारी नहीं होती। संसद के अंदर बैठ करके एक सांसद को बोला जाता है ए आतंकी, ए मुसलमान, ए कटवे, आप समझो, तब गिरफ्तारी नहीं होती। कुत्तों का वक्त है, ये इससे क्या मतलब? कुत्तों का वक्त भैया, जिसके लिए भी कुत्ता बोला है वो अपने आप को कुत्ता क्यों समझ रहा है? आज एक बात छोटी सी समझिए ना, अगर बोला गया है कि कुत्तों का वक्त है या कुत्तों का जमाना है या कुत्तों का दौर है, तो आप, अगर आप कुत्ता नहीं हो और मैं कुत्ता कुत्ता चिल्लाऊं और आप अपने ऊपर ले लो, तो ये आपकी कमी है ना। तो उन्होंने किसी धर्म का नाम लिया, ना तो उन्होंने किसी बंदे का नाम लिया, आपने उसको सांप्रदायिकता से जोड़ा ना। तो हमारा मुद्दा सिंपल सा है कि जब आप महिलाओं का बलात्कार करने की बात करते हो, फलानों को काटने की बात करते हो, इनके ठाकुर साहब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तो इतने बड़ा बयान क्या होगा भड़काने वाला? क्या ये मुस्लिम लोगों को प्रवोक करने की बात नहीं है? और उसके बाद सुरेश चौरंगड़े जैसे लोग मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर सूअर की शक्ल लगा लगा के एक प्रोग्राम चलाते हैं, तो क्या वो देश में भड़काने वाली बात नहीं है? ये भी कह रहे हैं कुत्ता हिंदुओं को कहा गया है, ये तो उनकी गलतफहमी है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज हमारे देश में सांप्रदायिकता की आग में अगर देश को कोई झोंक रहा है तो वो देश का गोदी मीडिया है, सुरेश चौरंगड़े जैसे लोग हैं। अब एक बात सोचिए, मुफ्ती साहब एक धर्मगुरु हैं, एक धर्मगुरु के चेहरे के ऊपर अगर आप सूअर की शक्ल लगाओगे तो आपको क्या लगता है कि देश के अंदर आप एक देश में नफरत का माहौल नहीं परोस रहे? मुफ्ती साहब का कुत्ता शब्द तो फिर भी लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने सुना होगा, पर तुमने अपना लाखों हजारों करोड़ों लोगों को व्यूअरशिप है, लोगों को व्यूअरशिप है, उसमें मुफ्ती साहब के चेहरे पर सूअर की शक्ल लगा करके मुसलमानों को प्रवोक करने का काम किया है। कब इसकी गिरफ्तारी होगी सुरेश चौरंगड़े की? हम ये मांग करते सरकार से, सुरेश चौरंगड़े जैसे लोगों की गिरफ्तारी हो उनका गोदी मीडिया बंद होना चाहिए। आप ये क्यों नहीं देखते हो? आज हमारे देश में अगर मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी, हम संविधान का सम्मान करते हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी जायज है तो हम कहते हैं बिल्कुल सही। पर आप एक छोटी सी बात बता दो,
उनकी गिरफ्तारी कब होगी टी राजा जैसे लोगों की, जब मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात करती हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी जब बोलते के फलाने काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे उनकी गिरफ्तारी और उनको संसद से कब निकाला जाएगा, तो संसद के अंदर बैठ के बोलते हैं आतंकी है भड़वे है बुल्ले है कटवे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये हमारे सवाल। कपिल मिश्रा का बयान आपने दिल्ली में ही सुना था, आपको स्लोगन याद होगा, ऐसे लोगों को भी तो छोड़ दिया जाता है खुलेआम दिल्ली में नारा। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, आज धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए आप ये रणनीति अपनाओगे तो आपसे सवाल खड़े होंगे। आप अगर देश में एक संविधान के हिसाब से देश चलाओगे तो फिर आप हिंदू और मुसलमान मत देखो, आपको किसी के बयान से अगर आपत्ति है तो आप उसको भैया दर्ज करो मुकदमा और उसको अदालत में डालो, पर आप धर्म विशेष के लिए छूट दे दो। मतलब अगर तुम्हारे साधु संत महामंडलेश्वर साहब ने जंतर मंतर से हुंकार भरी दी, महामंडलेश्वर साहब ने जंतर मंतर से हुंकार कि मैंने 40 मुसलमानों को मारा है, मैंने 40 मुसलमानों को, आपके चैनलों के अंदर भी रिकॉर्ड होंगे वो कार्यक्रम उन्होंने जहां धरना प्रदर्शन किया था, जो बंदा इतने मुंह से बात बोलता है मैंने 40 मुसलमानों को मारा है, हाँ जी अपना गुनाह कबूल लिया उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं। अरे तो आप ये चीज देखो ना, आप एक धर्म विशेष को छूट दे रहे हो कि जो भगवा पहन लेगा यानी कि उसको ये सब बयान देने का मुसलमानों को टारगेट करने का राइट मिल जाएगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुफ्ती साहब ये कह रहे थे ना कि संविधान से देश चलेगा ना, दौर का क्या वक्त होता, दौर थोड़ी आएगा। मैं आपसे एक ही मैं एक छोटी सी बात, हाँ वो दौर आए, वो दौर आएगा, वो एक जुमला है, वो दौर आएगा यानी कि आपने सुनी नहीं वो कहावत, फिर आप कहावत लिखने वालों को कि आप कुत्तों का दौर है लाना चाहते हैं, वो तो आप मुफ्ती साहब आपको बता ही रहे हैं कि हम दौर लाना चाहते हैं इसमें संविधान के हिसाब से देश चलेगा, हम दौर लाना चाहते हैं इसमें भाईचारे की बात होगी, हम दौर लाना चाहते हैं इसमें अमन होगा देश के अंदर, हम दौर लाना चाहते हैं इस देश में शांति होगी, हम वो दौर लाना चाहते हैं कि किसी को जय श्री राम बोल के मारा नहीं जाएगा, हम वो दौर लाना चाहते हैं जिसमें भाईचारे का जब गंगा जमुना जो तहजीब है उसका फूल दोबारा चमन में खिलेगा और देश में भाईचारा होगा और तिरंगे के सम्मान में सभी हिंदू मुसलमान एक तिरंगे के नीचे खड़े होंगे, हम उस दौर की बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब। लेकिन कहीं चुनाव से पहले जिस तरह की गिरफ्तारी हुई तो कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं लिया है सरकार ने लोगों ने? देखिए अगर चुनावी स्टंट की बात करो, चुनावी स्टंट तो आपको बहुत सारे देखने को मिल ही रहे हैं, आपने अभी देखा कश्मीर के अंदर एक सिख भाई को गोली मार दी गई, आपने देखा, और आप एक छोटी सी बात देखो, दो दिन पहले एक तस्वीर आती है कि एक मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ रहा है और सिख भाई छतरी पकड़ के खड़ा उसको ओलों से बचा रहा है और वो भाईचारे की तस्वीर पाकिस्तान तक जाती है, अफगानिस्तान तक जाती है, सारी मुस्लिम कंट्रियों में वो तस्वीर वायरल होती है और शायद वो भाईचारा किसी को खला नहीं और पाकिस्तान के आतंकी एक सिख भाई को मार करके ये पैगाम देते हैं कि जिनके सर पे तुम छतरी रख रहे थे उन्होंने तुम्हारा कत्ल कर दिया। आप ये चीज को देखो कि ये भाईचारे की आग को कौन खत्म करना चाह रहा है। आज आप कह दो 370 हमने हटा दी, अरे अगर 370 हटा दी तो कैसे हमारे सिख अमृतपाल को मार दिया गया, अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल को सरेआम गोली मार दी जाती है कश्मीर के अंदर, कहां है तुम्हारी 370 हटने का प्रावधान, तुम तो कहते हो लाल चौक पे अब कोई आतंक भी नजर नहीं आता, तुम तो कहते हो हमने आतंकवाद की जड़ें फोड़ दी, तुम तो कहते हो हमने तो आतंकवाद की जड़ें फोड़ फोड़ के आतंकवादियों को डरा दिया, आतंकवादी तो मोदी का नाम सुन के मूंछ देते हैं, तुम तो ये कहते हो आतंकवादी मूंछ नहीं वो तो ठोक रहे हैं। अरे आपके बस की अगर सरकार चलानी नहीं है ना, आप हमारे लिए बॉर्डर खोल दो, हम अपने आप पाकिस्तानी फोर्स से निपट लेंगे, हम अपने आप आतंकवाद से निपट लेंगे। उसने मुफ्ती साहब के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा करके मुसलमानों को प्रवोक करने का काम किया है, कब इसकी गिरफ्तारी होगी सुरेश वानखेड़े की, हम ये मांग करते सरकार से।